उनको अपनी दलील बना के पेश करते हैं से सुने उनको दलील बना के पेश, पेश करते हैं कि देखे कुरान मजीद में जहां वरासत के हुक्म आया है तो वह अमूमी हुक्म है मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत की याद नंबर ग्यारह में इत्यायान अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में के मर्द को मर्द को औरत के मुकाबले में दुगना औरत के मुकाबले में दुगना हिस्सा मर्द को दिया जाए अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है यह वरासत की आयत है वालनसा नसीब तरकल वालान की आयत नंबर सात में हुक्म है कि औरतों के लिए हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी छोड़ जाए वो औरतों के लिए उनके लिए हिस्सा है वाले वालम सूरत वाल की आयत नंबर तैंतीस है उसमें भी हुक्म है कि हर एक के लिए हर वारिस के लिए जो उसके वालदान और करीबी छोड़ जाए एक हिस्सा है तो कुरान मजीद की ये अमूमी आयात जो हैं वरासत के मुतल उनसे ये साबित होता है कि जिस तरह जो मुरस छोड़ जाते हैं अपना तरका तो बाकी लोग वारिस बनते हैं इसी तरह अम्बिया आश्रवा की जवात ग्रामी क़दर के जो वारसन हैं वो भी उनके तरके के वारिस बनेंगे कहते हैं दलाल से है। तो ये बात याद रखें कि इसके मतदद जवाब हैं एक जवाब तो ये कि इन आयात में जो अल्लाह इज़त ने हुक्म दिया है इसका मुखातब कौन है यूसी को माहू फी औलाद कुम कुम जमीर खिताब है ये खिताब किन को है इनके मखातब जो है वह मुजमल है मुखातब कौन है मुखातब मुजमल है और इस इजमाल की वजाहत और इस इजमाल और इबहम को वाज करने के लिए हम अहादीस की तरफ जब रजू करते हैं तो अहले सुन्नत और अहले तशैय की जो मौत पर किताबें हैं बुखारी शरीफ से लेकर अहले तशैयो की असूले काफ़ी उठाएं इमाम जाफ़र सदक रजी अल्ला से जो मरवी उसूल काफ़ी की पहले दिल के सफा सत्रह और अठारह पर रिवायत हैं उन रिवायात से इसका मुखातब जो है वो मुतन होता है कि मुखातब इसका नबी करीमलातम नहीं है बल्कि इसका मुखातब नबी करीमलात की उम्मत है डायरेक्ट हजूर के सहाबा हैं उसमें इनशा मैं मिसाल भी कुरान करीम से दूंगा कि बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जिनके मुखातब नबी करीमलात स्लम की ज़ात गिरामी कदर नहीं बल्कि हजूर के सहबा हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्ज़त ने कुरान जीद में हुक्म दिया फन केहू माता मसना वसुल्ह सा बस तुम निकाह करो जो औरतें तुम्हें पसंद आए दो दो तीन तीन और चार चार दो दो और तीन तीन और चार चार अब फन हु में जो हुक्म है इसके मुखातब कौन है इसका मुखातब नबी करीम की ज़ात नहीं क्योंकि हजूल के लिए यह कैद नहीं है कि सरकार सिर्फ चार शादियां करें बल्कि इसके मुखातब कौन है नबी करीम की उम्मत मुखातब है तो जिस आयत में हुजूर मुराद नहीं है या अलैहि वसल्लम मुखातब नहीं है बल्कि सहाबा मुखातब है तो जो वरासत की अमूमी आयात हैं, उन आयत में भी नबी करीम की उम्मत मुखातब है नबी करीम सलाम मुखातब नहीं है और फिर इसके अलावा इन आयात में अहले सुन्नत और शिया दोनों कायल हैं कि ये जो अमूमी आयात है इन में तखस मौजूद हैं। एक वो अमूम होता है कि लम या खुदसा अनुलबाज यह एक फेक के हवाले से एक वो आम है कि लम या खुदसा अनुलबाजू जिसमें से बाल को खास नहीं किया गया और एक वो आम होता है कि खुस्सा खुदा अनबाजू जिसमें से बाल चीजों को खास कर लिया गया है अगर इन आयात वरासत को अपने अमूम पर रखा जाए इसका मतलब यह है कि जो भी मरने वाले का वारिस मौजूद होगा उसकी औलाद में से उसके करीबी में से उसको तरकाम मिलेगा अगर ये इसको अपने मुंह पे रखें तो सुन्नी शिया दोनों के नजरिए के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है सुन्नी भी कायल है शिया भी कायल है कि इस उमूम में से बाद जो वारिस है वो खास है मिसाल के तौर पर फ्रोए काफी में मौजूद है लामिर लातिल अगर कोई वारिस अपने मूरस को कत्ल कर देता है तो वो कातिल अपने मूरस का तरका नहीं पाएगा वरासत नहीं मिलेगी जबकि कुरान में हुक्म आम है इसी तरह काफी मौजूद है ला यफिरमुसलिम काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बनेगा और इसके अलावा दीगर दलाइल जो हैं, इस बात पर शाहिद हैं कि ये वो आम है खुस्सान बाजु कि जिस आम में से बाद अफरा को खास कर लिया गया है जब आम में से बाद अफराद को खास कर लिया जाए तो मजीद उसमें तक़सीस करने के लिए अब खबरें मुतवातिर होना जरूरी नहीं है बल्कि उसूल की रोशनी में शिया सुनी उसूलों के मुताबिक अगर खबरें वाहिद भी आ जाए तो फिर भी ऐसे आम से बाद अफराद को खास किया जा सकता है बाद अफराध को खास किया जा सकता है जबकि अम्बिया आलि तो तस्लीमत की जवात ग्रामी कदर के अपना बारिस ना बनाने पर अदीस तबातुर के साथ मौजूद हैं जो कि नबी करीम सल्हुसम के दर्जन के करीब असहाब ने उनको रिवायत किया है मिसाल के तौर पर सईद नाबू बकर शदीक रजी अल्लाह हजरत उमर फ़ारूक हजरत स्स्मान गनी हज़रत मौला अली सईदना सात बिन अबी वक़ास हजरत अब्दरमान बिन ओफ हजरत ज़ुबैर हजरत मज़ बिन जबल हजूर आयशा सदी का रदील्ल तहुम ये तमाम सिहाबा से ये अहादीस मरवी हैं कि अम्बिया आलि मुसलव तस्लिमत अपने तरके में माल छोड़ के दरम दिनार नहीं छोड़ते उनकी वरासत तकसीम नहीं होती जो कुछ वो छोड़ के जाती हैं वो क्या होता है सदका होता है अम्बिया अपनी वरासत में इलम छोड़ के जाते हैं तो तबातुर के साथ मुतवातिर हदीस मौजूद है और मुतवातिर से तो आम लमयुस्सा अनबाद भी हो तो उसमें से भी जो ना वो तक़सीस करना मुतवातिर के जरिए दुरुस्त है और ये उसूल के मुताबिक है जबकि आहले तशो की जो मौत पर किताबें हैं मिसाल के तौर तो पर मला यासफकीम में ये एक और तक़सीस मौजूद है कि मामारिस रसूल अलअबास वला अली के नबी क़रीम करीमत के वारिस ना तो हज़रत अब्बास बने ना ही हजरत अली बने बल्कि हजूर के वारिस सिर्फ़ और सिर्फ सदा फ़ातमत ज़हरा रजी अल्लाह त बने जबकि कुरान मजीद की आयात बैनात की रोशनी में जब इंसान दुनिया से पर्दा कर जाता है तो उसके पर्दा करने के बाद उसकी बीवियाँ भी वारिस होती हैं और अगर सिर्फ बेटी है तो बेटी के साथ उसके जो बाकी इस्बात हैं उनबात को भी हिस्सा मिलता है तो इस इसूल के मुताबिक नबी क़रीम करीमलाम के विसाल के बाद हजूर के जो वारस बनते हैं वो तीन किस्म के लोग हैं सरकार की बेटी हैं कुरान की रोशनी में उनको कुल जायदाद से आधा हिस्सा मिलना चाहिए था नबी क़रीम करीमलाम की अजवाज ते बात है सुरा निसा में है चौथा हिस्सा मिलता है फलामत रक्तुम बीवियों को आठवा हिस्सा मिलता है कितना हिस्सा आठवा हिस्सा तो चूंकि हजूल असरात वम की बेटी मौजूद थी तो उसूल के अगर वरासत तकसीम करनी है तो सयदा कायनात को कुल वरासत का आधा और बीवियों हजूर की अजवाज तयीबात को आठवा हिस्सा और बाकी जो बचना था वह नबी करीमरात वम के चचा हजरत अब्बास को मिलना चाहिए अगर ऊसूल के मुताबिक आना है जबकि ऐसा नहीं हुआ और हजूर सलम के विसाल के बाद जिन तक ये रिवायत और हदीस नहीं पहुँची थी यकीन सब ने मुतालबा किया सही बुखारी में मौजूद है कि सयदा फ़ातमत जहा रजील् तबा किया है। ने उम्मातमुमिन ने हज़रत स्स्मान गनी रज़ी तैयार किया और हजरत स्मान से उन्होंने मुतालबा किया सही बखारी और इसके अलावा दीगर रिवायत भी हैं अरसला अजवाज़ नबी अरस अजवाजनबी सस्माना अबी बकर अजवाज नबी ने उस्मान गनी को अबू बकर सिद्दीक के पास भेजा वरासत का मुतालबा करने के लिए तो ये रिवायत बिल्कुल साबित है कि उन्होंने भी वरासत का मुतालबा किया लेकिन अबू बकर ने उनको वरासत नहीं दी और वही सईदातर रजी तबीत का फरमान है कि अंबिया अपने पीछे माली वरासत छोड़ के नहीं जाते <laughs> तो यह उमूमी जो दलाइल पेश करते उनके जवाब और फिर आगे अंबियात तस्लीमत की वरासत के वाले से कुरने करीब